अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी टेस्टी से कीमा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो थोड़े हेल्दी भी हैं। यहाँ पर हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गेहूं के आटे से ही हम ये रोल बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे बिल्कुल टेस्टी से कीमा रोल, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 बड़े प्याज को कट कर लिया है लंबा लंबा। फिर हम यहाँ पर 2 से 3 शिमला मिर्च भी ऐसे लंबे लंबे पतले पतले कट करके तैयार कर लेते हैं। आप इसमें चाहें तो अपने पसंद की काफ़ी वेजीज भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च और पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रोल में। पत्ता गोभी को भी हमें इसी तरह से लंबा लंबा और पतला पतला कट कर लेना है। इन सारी चीज़ों को कट करके हमें साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पर हम एक टमाटर लेंगे और उसे भी चॉप करके हम साइड में रख लेंगे। ये जो रोल है, इसका टेस्ट काफ़ी हद तक शावरमे जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें जो मैं सॉस यूज़ करने वाली हूँ वो भी, और उसके अलावा जो हम जिस प्रोसेस से इसे बनाएंगे, काफ़ी हद तक जो इसका टेस्ट है शावरमे जैसा आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्टी से रोल। अभी यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा, ये मैं यहाँ पर लगभग 1 कप भर के ले रही हूँ। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है। और फिर यहाँ पर हम अजवाइन लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऑयल लेंगे 2 से 3 टीस्पून के लगभग। रोल की जो पपड़ियाँ हम बनाएंगे, रोल की जो हम रोटी बनाएंगे वो थोड़ी खस्ता बने, इसके लिए हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। आटे को अच्छी तरह से मालिश करते हुए हमें गूँथ लेना है, और फिर हमें इसे ढककर रख देना है रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमें बनानी है एक चटनी, आप इसे सॉस भी कह सकते हैं। ये मेयोनीज वाली हम चटनी बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। फिर उसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून मेयोनीज डालूँगी। क्रीम डाला है मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून भर के, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तिल जो है आप रेड या वाइट कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और फिर इसे इस तरह से हमें बारीक पीस लेना है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें ऑयल डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और प्याज भी हम ऐड कर देते हैं। इन्हें हल्का सा हम रोस्ट होने देंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके रॉ स्मेल जाने तक हम इन्हें भूनेंगे। फिर इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, देगी मिर्च है ये, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इन चीज़ों को मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हमें डाल देना है टमाटर जो हमने कट करके रखा था, और अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे भी हमें भूनना है मसालों के साथ। अब इसमें बॉईल किया हुआ कीमा ऐड कर रही हूँ। ये जो कीमा है मैंने नमक और हल्दी डालकर बॉईल करके रखा था पहले से। टाइम सेव करने के लिए इसे कुकर में बॉईल कर लिया। अगर आप चाहें तो कच्चा कीमा इसमें डालकर और आराम से पका सकते हैं, पर टाइम बचाने के लिए मैंने इसे कुकर में बॉईल करके रखा है कीमे को। इससे आसान हो जाएगा आपका काम। कीमे को भी मसालों के साथ थोड़ी देर तक अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो कटे हुए वेजीज थे हमारे, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, ये भी ऐड कर देंगे। और इन्हें भी मिलाते हुए हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इन वेजीज का जो क्रंच है वो हमें बरकरार रखना है। इन्हें हमें हार्डली 2 से 3 मिनट तक भूनना है तेज़ आंच में। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो नमक यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमक डाला था कीमे को उबालते वक्त। अब इसमें गरम मसाला पाउडर भी मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून के लगभग। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हमारी अभी रेडी है। अब इसे एक ट्विस्ट देने के लिए और एक शावरमे जैसा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कोयला, और उसे मैं आग में अच्छी तरह से जला लूँगी। फिर एक कटोरी को हम प्लेस करेंगे कीमे के बीच में, स्टफिंग के बीच में, और उसमें कोयला रखेंगे। फिर उसमें घी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे हमें ढक देना है। जब ढेर सारा धुआं उठने लगेगा तब इसे अच्छी तरह से हम ढक देंगे।
ताकि जो स्मोक है वो अच्छी तरह से पूरे कीमे में चला जाए। अब हम 3 मिनट के बाद चेक करेंगे, देखेंगे कि धुआँ पूरा ख़त्म हो चुका है, फिर ये कटोरी को हम यहाँ से हटा लेंगे। हमारी कीमा जो है उसमें अच्छी तरह से एक स्मोक हो चुका है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब ये जो आटा है हमारा, इसने भी काफ़ी रेस्ट कर लिया है, इस आटे को थोड़ी और मालिश करेंगे, उसके बाद हम इसके बॉल्स कट कर लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटियां बनाते हैं बस उतने ही बड़े साइज़ के हमें यहाँ पर बॉल्स भी बना लेने हैं। 250 ग्राम आटा था मेरा टोटल, तो उतने आटे में मैंने यहाँ पर लगभग 10 रोल बनाकर तैयार किए हैं। यहाँ पर 10 लोइयाँ बना लेंगे और इसी तरह से सारी लोइयाँ हमने बनाकर रख ली है। अब चौकी पर थोड़ा सूखा आटा डालकर हम यहाँ पर लोई को एक रोटी का शेप दे देंगे, जिस तरह से आप नॉर्मल रोटियां बनाते हैं घर में उसी तरह से पहले हम इसे बेलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से पूरी रोटी में फैलाकर लगा लेंगे। अब इस पर हमें थोड़ा सूखा आटा भी डस्ट कर देना है। ऐसा करने से जो हम यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं उसके अंदर की लेयर्स जो हैं वो खुली खुली रहेंगी, चिपकेंगी नहीं। फिर इस तरह से इसे हमें फोल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप इस तरह से, और फिर इसे ऐसे रोल करेंगे और इसका जो खुला हुआ आखिरी सिरा होगा उसे नीचे की तरफ हम दबा देंगे। अब ये हमारी लच्छे पराठे की बॉल बन गई है, इसे भी रोल कर कर हम रोटी का शेप दे देंगे। काफ़ी पतला हमें यहाँ पर बेलना है ताकि रोल की जो पपड़ी है वो पतली लगे। अब इसे हमें सेक लेना है दोनों तरफ से, जिस तरह से हम चपाती सेकते हैं वैसे ही हमें इसे सेकना है। इस रोटी को हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है पहले, उसके बाद हम इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी बने, और फिर ऑयल को अच्छी तरह से फैलाकर लगा देने के बाद हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये लच्छा पराठा जो है हमारा रेडी है। अब हमें इसमें सबसे पहली जो लेयरिंग करनी है वो है सॉस की, टोमेटो केचप की। 1 से 2 टीस्पून के लगभग हमें यहाँ पर टोमेटो केचप अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो चटनी थी हमारी मेयोनीज़ वाली जो हमने बनाकर रखी थी, वो भी 2 से 3 टीस्पून हमें यहाँ पर लगा देनी है। चटनी अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है रोल। अब इसमें ये जो कीमे की स्टफिंग है ये भी हम इस तरह से पूरी स्प्रेड कर देंगे सेंटर पे, और फिर लास्ट में हमें यहाँ पर लगा देनी है प्लेन मेयोनीज़। अब इसे हमें रोल कर देना है, टाइटली हमें इसे रोल करना है, और ऊपर से फिर हम इसमें या तो फिर एल्यूमिनियम फॉइल या फिर अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी आप इसमें लगा सकते हैं और इसे इस तरह से रोल कर देंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार कीमा रोल बनके तैयार है, जिसका टेस्ट आपको काफ़ी हद तक शवरमे जैसा लगेगा। और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने गेहूं के आटे से इसे बनाया है। इसे आप सर्व कीजिए यही पुदीने वाली मेयोनीज़ वाली चटनी के साथ और इसके जायके का लुत्फ़ उठाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।